जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 95% हारा हुआ मैच इस तरह से अंतिम ओवर में पलटा कि देखने के बाद आपको भी आ जाएगा मजा। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज जो पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में रोमांचक मुकाबला खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले के बारे में और साथ में इस मुकाबले का पूरा वीडियो भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में ये रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 45वें लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स की टीम के साथ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जहां पर इस 45वें मुकाबले का रोमांचक अलग ही लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर उनका गेंदबाजी करने का फैसला इस पिच पर बिल्कुल सही साबित हुआ। दरअसल दोस्तों यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने यहां पर 20 ओवर में 7 विकेट खोते हुए 165 रन बनाए थे और पंजाब की किंग्स को 166 रनों का लक्ष्य दिया था। हालांकि दोस्तों 165 रनों के योगदान में सबसे बड़ा योगदान रहा वेंकटेश अय्यर का, जहां पर वेंकटेश अय्यर ने इस मुकाबले में ओपनिंग काफी बेहतरीन करी। जी हां दोस्तों, यहां पर वेंकटेश अय्यर ने 49 गेंदों में 67 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया था। हालांकि दोस्तों उनको रवि बिश्नोई ने दीपक हुडा के हाथों में कैच आउट करवा दिया था, जहां पर वो 15वें ओवर की 4थी गेंद पर आउट हुए थे। तो वहीं दोस्तों वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए, उन्होंने 26 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली। तो वहीं शुभमन गिल का एक बार फिर से फ्लॉप शो जारी रहा, जहां पर शुभमन गिल ने 7 गेंदों में मात्र 7 रन की ही पारी खेली। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल को अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट कर दिया था। तो वहीं नीतीश राणा ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों में ही 31 रन ठोक डाले और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए थे। तो वहीं दोस्तों नीतीश राणा के अलावा ऑयन मॉर्गन ने इस मुकाबले में मात्र 2 रन की पारी खेली। तो वहीं दिनेश कार्तिक 11 रन बनाकर आउट हुए और वहीं दोस्तों टिम सेफर्ट भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और उन्हें 4 गेंदों में मात्र 2 रन बनाए। और यही था पूरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर कार्ड, जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन के सामने भी देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों अब जब मैदान पर 166 रनों के जवाब में पंजाब किंग्स की टीम उतरी तो यहां पर पंजाब किंग्स की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। जी हां दोस्तों, यहां पर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने आते से ही ताबड़तोड़ अंदाज अपना दिखाना शुरू कर दिया, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की टीम को शुरुआत में काफी अच्छी बढ़त दिला दी थी और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 50 रन की साझेदारी मात्र 34 गेंदों में ही हो गई थी और इसी साझेदारी का फायदा पूरी पंजाब किंग्स की टीम को मिला। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज जब मैदान पर 166 रनों के जवाब में पंजाब किंग्स की टीम उतरी थी तो यहां पर मयंक अग्रवाल ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों में ही 40 रन ठोक डाले और हां दोस्तों अपनी 40 रन की पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 3 बड़े छक्के जड़े। हालांकि दोस्तों उनको वरुण चक्रवर्ती ने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऑयन मॉर्गन के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते मयंक अग्रवाल के रूप में पंजाब किंग्स की टीम को ये सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर मयंक अग्रवाल काफी अच्छी और शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मयंक अग्रवाल ही इस मुकाबले को अकेले दम पर पंजाब किंग्स की झोली में डाल देंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मयंक अग्रवाल के 40 रन पर आउट होने के बाद मैदान पर उतरे निकोलस पूरन, जहां पर निकोलस पूरन का भी बल्ला आज शांत नहीं रहा। जी हां दोस्तों, यहां पर निकोलस पूरन आते से ही चौके और छक्कों की बरसात करते हुए नजर आए, लेकिन दोस्तों यहां पर वरुण चक्रवर्ती के ओवर में छक्का लगाने के बाद शायद उन्हें नहीं पता था कि अगली गेंद पर उनके साथ क्या ही होने वाला है और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करवाते हुए शिवम मावी के हाथों 11वें ओवर की 4थी गेंद पर कैच थंबा दिया, जिसके चलते निकोलस पूरन के रूप में यहां पंजाब किंग्स की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां पर निकोलस पूरन 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस 12 रन की पारी के दौरान निकोलस पूरन ने एक छक्का लगाया था। हालांकि दोस्तों निकोलस पूरन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे एडन मार्करम, जहां पर कप्तान केएल राहुल और एडन मार्करम ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाते हुए दोनों ही खिलाड़ी दिखाई दिए। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है इस मुकाबले के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।